हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ रोहिका और मैं फिर से हाजिर हूँ आपके पास डीएमआरसी प्रिपरेशन वीडियोस के साथ। तो जैसा कि मैं आपको आपको पता है कि मैं माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा रही थी आपको। सो माइक्रो प्रोसेसर मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, राइट? आप इसे क्वेश्चन आप समझ लो कि 3 से 4 क्वेश्चन या मैक्सिमम 7 क्वेश्चन, 6 to 7 क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑब्वियसली आप 1-2 मार्क्स तो आप छोड़ नहीं सकते, 6-7 मार्क्स तो आप कहाँ छोड़ने जाओगे, और ऊपर से इतने स्कोरिंग और ईजी सब्जेक्ट पे, राइट? तो आप इसको तो छोड़ना बिल्कुल भी मत। कुछ नहीं करना है आपको, मैं जो आपके क्रैश कोर्सेज करवा रही हूँ आप बस एक बार इसको ईयरफोन लगा करके आप एक बार सुन लो। आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैवल करते करते भी सुन लो। आपको बहुत ज़्यादा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बहुत हाई डेफिनेशंस नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें कैलकुलेशंस नहीं है, आपको पेन पेपर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यू जस्ट गो थ्रू माई लेक्चर्स वंस और ट्वाइस, वट एवर इज़ यू नीड। आप कहीं भी हो आप इसको पढ़ सकते हो और माइक्रो प्रोसेसर इज़ एट योर फीट, ओके? चलिए फ्रेंड्स, सो हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था। सो मैंने आपको बताया था माइक्रो कंप्यूटर के बारे में, राइट? माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, उसके बेसिक ब्लॉक्स क्या होते हैं, हाँ उसमें एग्जैक्टली क्या क्या होता है। मैंने आपको ब्रीफली बताया भी था कि उन ब्लॉक्स का यूज़ क्या होता है। देन हमने देखा था माइक्रो प्रोसेसर का डेफिनेशन, इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं मैंने आपको समझाया था, प्रोग्राम क्या होता है मैंने आपको बताया, उनके डेफिनेशंस देखे थे हमने। देन कंप्यूटर किस बेसिस पे काम करता है, राइट? उसका जो वो बिट्स पे काम करता है मैंने आपको बताया था उस दिन कि कंप्यूटर्स जो है वो प्रोसेसर है, बिट्स पे काम करता है। बिट्स आर नथिंग बट जस्ट बाइनरी डिजिट्स, ईदर 0 or 1, राइट? देन मैंने आपको बताया कि वर्ड है, तो वर्ड क्या होता है, ग्रुप ऑफ बिट्स को ही वर्ड कहते हैं। सो ये मैंने आपको लास्ट क्लास में से बता दिया था। सो अभी हम देख लेते हैं और क्या क्या पढ़ा था हमने। वर्ड लेंथ मैंने आपको बताया था, निबल बताया, बाइट्स क्या होते हैं मैंने आपको समझाया। देन मैंने आपको बताया था कि ये जो एग्जांपल्स हैं, कौन सा प्रोसेसर कौन सा बिट यूज़ करता है, वो जो एग्जांपल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो देखने में लगते हैं कि यार एग्जांपल्स हैं, उतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, बट रेस्ट अश्योर्ड मैं आपको जब क्वेश्चंस करवाऊंगी डीएमआरसी के, आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे कि आपको पता, आपको क्वेश्चन रहेगा कि आप 32 बिट के जो प्रोसेसर हैं 4 ऑप्शंस रहेंगे और आपको उसमें से ऑप्शन टिक करना होगा कि इनमें से कौन सा 32 बिट प्रोसेसर है। एंड बिलीव मी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आपको तो ये सब छोड़ना नहीं है, है ना? बस आप एक बार पढ़ लोगे और आपके माइंड में ऐसे ही फिट हो जाएगा। देन वर्ड लेंथ क्या होता है वो मैंने आपको समझाया था। फिर हमने देखा था माइक्रो कंट्रोलर, उसका बेसिक ब्लॉक डायग्राम देखा था और मैंने आपको सारे बेसिक ब्लॉक्स के ब्रीफ में भी डिस्कस करवा दिए थे कि क्या क्या ब्लॉक्स हैं, उनका क्या क्या यूज़ है, क्या काम करते हैं, मैंने आपको सब कुछ ब्रीफ में डिस्कस करवा दिया था। देन लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर के बीच का डिफरेंस। ये डिफरेंसेस हैं काफ़ी, बट बहुत बेसिक डिफरेंस है, आप मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कहीं भी प्रॉब्लम आई होगी समझने में, काफ़ी बेसिक से डिफरेंसेस होते हैं, बट या वेरी मच इम्पॉर्टेंट, यू कैन नॉट इग्नोर इट। देन मैंने आपको बताया था कि जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है वो वॉन न्यूमन मॉडल पे काम करता है और माइक्रो कंट्रोलर हार्वर्ड मॉडल पे काम करता है। एंड देन मैंने आपको टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर में दोनों मॉडल्स को इंडिविजुअली एक्सप्लेन भी किया था, राइट? तो इन पे भी क्वेश्चंस आते हैं। ऑब्वियसली मैं आपको कोई भी ऐसा चीज़ नहीं करवाऊंगी जिस पे आपको लगे कि आपका टाइम फालतू वेस्ट हो रहा हो। मैं आपको सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रही हूँ, इंपॉर्टेंट थियरी बता रही हूँ, अब बस एक बार सुन लो। नथिंग इज़ टफ, कुछ भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इस सब्जेक्ट में। देन देन हम मूव करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस पे। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि हम यहाँ से आज शुरू करने वाले हैं अपने क्लास को, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस, ओके? ये क्या है? आपको पता है कि हम जो कंप्यूटर होता है या प्रोसेसर होता है उसको कैसे यूज़ करते हैं, हम उसके लिए क्या लगते हैं, प्रोग्राम्स लिखते हैं, राइट? अब वो प्रोग्राम्स तो हम या आप लिखेंगे ना, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, कोई लैंग्वेज यूज़ करेंगे लिखने के लिए, हम बात करने के लिए या फिर लिखने के लिए कोई लैंग्वेज यूज़ करते हैं। कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखने के लिए भी हम लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं। अब दो बेसिक लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं हम, पहला हो जाता है हमारा लो लेवल लैंग्वेज और दूसरा हो जाता है हाई लेवल लैंग्वेज। अब चलिए देखते हैं कि लो लेवल लैंग्वेजेस क्या होते हैं और हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होते हैं।
लो लेवल लैंग्वेज होता है, इसका डेफिनेशन मैं आपको बताती हूँ, फिर आपको इसको समझाती हूँ कि एग्जैक्टली क्या है। इट इज़ यूज टू ऑपरेट, मैनेज एंड मैनिपुलेट द कंप्यूटिंग हार्डवेयर एंड कॉम्पोनेंट्स, राइट। अब ये क्या है कि आप इसके जो प्रोग्राम्स लिखते हो वो रिलेट करता है, इसके आर्किटेक्चर पे डिपेंड करेगा, राइट, कि आप जो आपका जो जो प्रोसेसर है, जो कंप्यूटर है, उसका कोई स्पेसिफिक आर्किटेक्चर होगा, सबका होता है। तो वो आर्किटेक्चर क्या है, कौन कौन से हार्डवेयर आपको इसमें इंटरफेस करने हैं, या कौन कौन से हार्डवेयर इस कंप्यूटर से कनेक्टेड हैं, तो उस पर डिपेंड होकर के आपका जो ये लैंग्वेज है वो चेंज होता है, या फिर डिपेंड करता है आपका ये लो लेवल लैंग्वेज। ओके, तो फ्रेंड्स ये जो लो लेवल लैंग्वेज हो गया वो क्या होता है, वो हार्डवेयर डिपेंडेंट होता है, हार्डवेयर और आर्किटेक्चर डिपेंडेंट होता है। ओके, ये बेसिक सा आपका ये फंडा है लो लेवल लैंग्वेज का कि हार्डवेयर पर डिपेंड करेगा। देन क्या होता है कि हम लो लेवल लैंग्वेज को ज़्यादा यूज़ नहीं करते, मैं आपको बताऊँगी आगे क्यों नहीं यूज़ करते। पहले हम देखते हैं कि हमारे पास दो टाइप के लैंग्वेजेस होते हैं, लो लेवल लैंग्वेजेस होते हैं, पहला होता है मशीन लैंग्वेज, दूसरा होता है असेंबली लैंग्वेज। अब देखते हैं मशीन लैंग्वेज क्या होता है। मशीन लैंग्वेज क्या होता है, इट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट कैन बी डायरेक्टली अंडरस्टूड एंड ओबेड बाय अ मशीन विदाउट कन्वर्जन। इट इज़ बेसिकली द स्ट्रिंग ऑफ बाइनरी डिजिट्स 0 and 1। अब फ्रेंड्स ये मशीन लैंग्वेज क्या होता है, ये प्रोसेसर फ्रेंडली बोलो या फिर कंप्यूटर फ्रेंडली बोलो, अब मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कंप्यूटर जो होता है वो किस पे काम करता है, वो डिजिटल होता है, वो 0 and 1 ही समझता है, डिजिटल बिट्स जो होते हैं वो बिट्स पे काम करता है ना, मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि ये बिट्स पे काम करता है, वर्ड्स पे काम करता है, सेट ऑफ जीरोज एंड वंस पे काम करता है। आपको 0 and 1 समझ में नहीं आएगा बट कंप्यूटर उसको अच्छे से समझता है, राइट। सो वो जो जीरोज और वंस में अगर हम प्रोग्रामिंग करते हैं, जो लैंग्वेज है उसको हम अगर उसमें लिखते हैं, जो प्रोग्राम होता है अगर हम उसको जीरोज और वंस के लैंग्वेज में लिखते हैं, कंप्यूटर को तुरंत समझ में आता है और किसी भी टाइप की कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं होती, हम बस डायरेक्टली जीरोज और वंस के फॉर्म में अगर हम प्रोग्राम लिखते हैं, कंप्यूटर उसको तुरंत एज इट इज़ इनपुट में ले लेता है और समझ लेता है और रन भी कर लेता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये होता है मशीन लैंग्वेज, ये मशीन की अपनी लैंग्वेज होती है। जैसे कि आप सपोज़ कि आप अगर आप मैथिली भाषा समझते हो तो आप आपको वो लैंग्वेज समझ आती है, आपको हिंदी लैंग्वेज समझ आती है। अगर उस लैंग्वेज से अगर कोई भी इंसान आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, देन यू डू नॉट नीड एनी ट्रांसलेटर फॉर दैट, आपको वो लैंग्वेज एज इट इज़ समझ में आ जाती है, बहुत ईजिली समझ में आ जाती है। बस वही चीज़ यहाँ पे मशीन लैंग्वेज का है कि कंप्यूटर को या प्रोसेसर को मशीन लैंग्वेज एज इट इज़ समझ में आती है बिकॉज ये उसकी अपनी नेटिव लैंग्वेज होती है। ओके, अब हम देखते हैं कि मशीन लैंग्वेज में जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है वो कैसा होता है। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कैसा होता है कि जो इंस्ट्रक्शन जो होता है, मैंने आपको जो बताया था, जो कमांड जो होता है, इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं, वो दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। पहला होता है हमारा ऑपकोड, दूसरा होता है ऑपरेंड। ऑपकोड क्या होता है कि ये कंप्यूटर को बताता है कि कौन सा ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है फ्रॉम द इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ द कंप्यूटर। मतलब आपको ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, एग्जैक्टली आपको क्या परफॉर्मेंस, आपको क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो कौन बताता है, वो ऑपकोड बताता है। ओके, और आपके इंस्ट्रक्शन में एक पोर्शन ऑपकोड का भी होता है। सेकंड क्या है, ऑपरेंड है, मतलब हमें तो मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन या फिर एडिशन या सब्ट्रैक्शन तो करना है बट किस पे करेंगे, राइट, उसको भी करने के लिए कोई डेटा की ज़रूरत होगी ना, हम किसी डेटा पे ही तो इसको परफॉर्म कर सकते हैं, तो वो जो डेटा होता है उसको कहते हैं हम ऑपरेंड। तो ये क्या होता है, इट टेल्स द कंप्यूटर ऑन व्हाट डेटा द ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म्ड। सो पहला क्या होता है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में, ऑपकोड, जो हमें बताता है कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और ऑपरेंड सेकंड हो जाता है कि किस डेटा पे हमें ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है। फाइन, तो ये हमारा हो गया इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, लो लेवल लैंग्वेजेस पढ़ रहे थे, मशीन लैंग्वेज पढ़ रहे थे। तो मशीन लैंग्वेज का एडवांटेजेस देख लेते हैं, उसका एडवांटेज क्या होता है, दे कैन बी एग्जीक्यूटेड वेरी फास्ट। अब आप देख लो कि आपको हिंदी लैंग्वेज समझ में आती है,
अगर मैं आपसे हिंदी में बात करती हूँ, आप अगर कोई दूसरा भी काम कर रहे होगे ना, आप उसको बहुत जल्दी कैच कर लोगे। आप ईवस्ड्रॉपिंग भी कर सकते हो, सपोज़ कि अगर अगल अगल बगल में आपके कोई बात कर रहा है, आपको वो नहीं सुनना है, आपसे छुपा छुपा के बातें हो रही हैं, स्टिल चूँकि वो लैंग्वेज आपको बहुत यूज़ टू है, आप वो सुन लोगे। बट अगर वही लैंग्वेज दूसरी अगर वही बातें दूसरी किसी लैंग्वेज में हो रही हो, आपको थोड़ा बहुत ही पता हो, आप वो जल्दी कैच नहीं कर पाएंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे कंप्यूटर के साथ में होती है कि मशीन लैंग्वेज उसकी अपनी नेटिव लैंग्वेज है। सो अगर आप उसी लैंग्वेज में उसकी अपनी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हो तो वो एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट करेगा, और यही मशीन लैंग्वेज का सबसे बड़ा एडवांटेज है। अब उसके डिसएडवांटेज की तरफ चलते हैं। उसके इतने सारे डिसएडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से मशीन लैंग्वेज को हम जनरली यूज़ नहीं करते हैं। पहला डिसएडवांटेज क्या है कि ये मशीन डिपेंडेंट है। अब मैंने आपको बताया था कि जो मशीन लैंग्वेज है वो हार्डवेयर के ऊपर डिपेंड करता है, कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के ऊपर डिपेंड करता है, राइट? मतलब क्या कि हर कंप्यूटर का अपना एक इंडिविजुअल आर्किटेक्चर और हार्डवेयर होता है जो दूसरे कंप्यूटर से बिल्कुल डिफर करता है। तो आप जो मशीन लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, जो प्रोग्राम आप लिख रहे हो, वो एक पर्टिकुलर कंप्यूटर के लिए ही होगा, एक पर्टिकुलर माइक्रोप्रोसेसर के लिए ही होगा। वो सेम लैंग्वेज, वो सेम प्रोग्राम आप दूसरे कंप्यूटर के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो, अलग हो जाएगा, बिकॉज उसमें हार्डवेयर अलग है, उस कंप्यूटर का या प्रोसेसर का आर्किटेक्चर अलग है, आपको उसके लिए फिर से प्रोग्राम लिखना पड़ेगा मशीन लैंग्वेज में। तो ये एक सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है कि ये जो है आपकी मशीन लैंग्वेज वो मशीन डिपेंडेंट है, आपको अलग अलग मशीन के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स लिखने पड़ेंगे, ओके? सेकंड क्या है, डिफ़िकल्ट टू प्रोग्राम। अब ये तो नॉर्मल सी बात है कि कंप्यूटर को तो 0101 ही समझ में आ रहा है, बट आपको तो नहीं आ रहा, स्टिल आप बहुत मुश्किल से समझ पाते हो। अगर आपको ट्रेन किया जाता है कि 0101 समझने में भी, स्टिल अगर आप समझ लेते हो, फिर भी प्रोग्राम जब आप लिखने चलते हो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्यों डिफ़िकल्ट होता है? हम लोग इतनी लैंग्वेजेस जानते हैं, राइट? हिंदी जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, इतने सारे वर्ड्स जानते हैं, इतनी वोकैबलरी जानते हैं, स्टिल हमारे ब्रेन को रिस्ट्रिक्ट होके सिर्फ 0 और 1 में ही काम करना पड़ता है। आप समझ लो कितनी डिफ़िकल्ट है ये चीज़। अगर थोड़ी सी भी मिसप्लेसमेंट हो गई 0 और 1 की इधर से उधर, आपका पूरा लंबा पेज का प्रोग्रामिंग ख़राब हो जाता है। तो इसको प्रोग्राम करने में डिफ़िकल्टी होती है, राइट? ऑब्वियस ही बात है ये तो। एरर प्रोन क्यों है? मैंने आपको बताया, इधर का 0 आगे का 0 लेफ्ट में चला गया, राइट का 0 राइट का 1 लेफ्ट में आ गया, पूरे प्रोग्राम का सत्यानाश हो गया, आपको कोई काम नहीं आने वाला वो प्रोग्राम। अब आप ढूंढते फिरो उसमें कि हमने कौन सा 0 कहाँ किया था, कौन सा 1 किधर किया था, क्योंकि पूरा प्रोग्राम ही तो 0101 है। अब कितना मुश्किल होता होगा आप समझ लो कि उसमें एरर निकालना और उसकी उसको मॉडिफाई करना। एंड दैट इज़ वाई मशीन लैंग्वेज को हम जनरली यूज़ नहीं करते हैं, बहुत रेयरली यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा रेयरली यूज़ होता है फ्रेंड्स, ओके? चलिए आगे चलते हैं। असेंबली लैंग्वेज को भी लो लेवल लैंग्वेज ही कहते हैं, बट ये मशीन लैंग्वेज से डिफरेंट होता है। क्या डिफरेंट होता है? अब मशीन लैंग्वेज में तो हम 0-1 यूज़ कर रहे थे, बट असेंबली लैंग्वेज में हम क्या यूज़ करते हैं? अल्फ़ा न्यूमेरिक निमोनिक कोड्स यूज़ करते हैं, ओके? निमोनिक कोड्स क्या होते हैं? आपने अगर माइक्रोप्रोसेसर की कोडिंग की होगी, आपको पता होगा कि उसमें हमें एक सेट मिलता था, इंस्ट्रक्शन सेट मिलता था, उसमें हर एक जो इंस्ट्रक्शन होता था ना, उस इंस्ट्रक्शन का एक छोटा सा कोड होता था। वो कोड हमें देख करके उसमें माइक्रोप्रोसेसर में टाइप करना होता था, डालना होता था, उसे कोडिंग करनी होती थी, उसे हम क्या कहते थे? निमोनिक कोड्स कहते थे। बट वो अंडरस्टैंडेबल था, वो समझ में आता था, क्योंकि उसमें कुछ कुछ इंग्लिश वर्ड्स यूज़ होते थे, एज एन ऐड यूज़ होता था, सब्ट्रैक्ट हुआ, सब मतलब ऐड यूज़ हुआ, सब हुआ, मल हुआ, मल्टीप्लिकेशन के लिए, राइट? तो ये असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग मशीन लैंग्वेज से तो थोड़ी डिफर है, थोड़ी बेटर है एज़ कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज। वहाँ तो कुछ नहीं समझ में आ रहा हमें 0-1 के अलावा, या एटलीस्ट हमें कुछ समझ में आ रहा है, एटलीस्ट ऑपरेशंस तो समझ में आ रहे हैं कि हो क्या रहा है यहाँ पे, राइट? स्टिल डिफ़िकल्ट हो जाता है बिकॉज हर इंस्ट्रक्शन के लिए अलग अलग कोडिंग है, आपको हर कोडिंग को याद करना पड़ेगा, हर कोडिंग को समझना पड़ेगा, एंड दैट विल बी अ लॉट हेक्टिक, राइट? सो ये असेंबली लैंग्वेज का काम हुआ यहाँ पे। अब हम देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या हैं। ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड मॉडिफाई,
ऑब्वियसली अब मैंने आपको बताया जो निमोनिक कोड्स हैं वैसे ऐड है, मल है, डिव है, डिवीजन के लिए अगर डिव यूज़ कर रहे हैं तो हमें तो छोटा मोटा समझ में आ रहा है, राइट? तो वो हम समझ सकते हैं और उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ये तो हुआ एडवांटेज। बट जो मेजर डिसएडवांटेज जो मैंने आपको मशीन लेवल लैंग्वेज में समझाया था, वही मेजर डिसएडवांटेज यहाँ भी हो जाता है। वो क्या है कि ये जो प्रोग्राम, ये जो लैंग्वेज होगा, ये आपका मशीन डिपेंडेंट होगा, जैसे मशीन लैंग्वेज था। मतलब कि आपको हर अलग अलग कंप्यूटर के लिए, हर अलग अलग मशीन के लिए आपको अलग अलग कोडिंग करनी पड़ेगी। अब आप सोच लो, अगर आप दो तीन पेज के एक कंप्यूटर के लिए दो तीन पेज का अगर आप प्रोग्राम लिख रहे हो, तो फिर से अलग मशीन के लिए आपको उतने ही पेज का प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। टू मच हेक्टिक और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है उसको फिर यूज़ करना और मॉडिफाई करना, राइट? तो ये मशीन डिपेंडेंट हो जाता है, एंड दैट इज़ वाई असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम भी आपका थोड़ा डिफ़िकल्टली यूज़ होता है, तो कम ही यूज़ करते हैं उसको भी। हालांकि यूज़ तो होता ही है, हर जगह आप हर चीज़ यूज़ नहीं कर सकते, तो कुछ चीज़ों के लिए तो वो रिस्ट्रिक्टेड होता ही है। बट जो सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, जो आप भी सुनते होंगे, आपने पढ़ा भी होगा, आपने अपने 12th बेसिस पे पढ़ा होगा या फिर आपने कॉलेज में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा हमने? हाई लेवल लैंग्वेज। क्या होता है ये हाई लेवल लैंग्वेज? इट इज़ डिज़ाइन टू बी यूज बाई द ह्यूमन ऑपरेटर और द प्रोग्रामर। अब मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स प्रोग्रामर होंगे, वो प्रोग्राम करते होंगे, C++, जावा, पाइथन, कितने सारे लैंग्वेजेस हैं, राइट? तो वो सारे लैंग्वेजेस हाई लेवल लैंग्वेज हो जाते हैं, वो हम ह्यूमंस ही जो प्रोग्रामर होते हैं वही बनाते हैं, वही इसको इस लैंग्वेज में लिखते हैं प्रोग्राम्स को। ये क्या होता है, सबसे बड़ा एडवांटेज जो हमारे लो लेवल लैंग्वेजेस में आ रहा था, यहाँ पे आके वो एलिमिनेट हो जाता है। वो कौन सा एडवांटेज है? मशीन इंडिपेंडेंट। आप एक लैंग्वेज लिखोगे और वो सारे कंप्यूटर्स पे चल जाएगा जो सेम सिमिलर टाइप के होंगे, ओके? तो आपको बार बार उस अलग अलग मशीन के लिए अलग अलग प्रोग्राम लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप काफ़ी मेहनत से बच जाते हो। सफिस्टिकेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, बिकॉज इसमें बहुत सारे यू नो कॉम्प्लिकेटेड आर्किटेक्चर यूज़ होता है, कॉम्प्लिकेटेड मतलब स्ट्रक्चर यूज़ होता है। आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा उसमें, वाइल लूप, फॉर लूप, ये लूप, वो लूप, उसकी प्रोग्रामिंग, आपको पूरी प्रोग्रामिंग की, तो आप समझ लो एक सेमेस्टर में तो आपको पूरी प्रोग्रामिंग ही पढ़नी पड़ती है, राइट? और वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। डिफ़िकल्ट मतलब अब जिसको इंटरेस्ट है उसके लिए तो काफ़ी ईजी होता है, मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, मेरे को वो समझ नहीं आती थी। एनीवेज, मूविंग ऑन, सफिस्टिकेटेड होता है बिकॉज उसमें काफ़ी कुछ कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ओके? बट दैट टू हमें वो समझ में आता है और वो हम कर सकते हैं, और इसके एडवांटेजेस इतनी ज़्यादा होती है कि हम हाई लेवल ही यूज़ करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज ही यूज़ करते हैं, और ये फेमिलियर इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करते हैं और मैथमेटिकल सिम्बल्स यूज़ करते हैं एंड नंबर्स यूज़ करते हैं, जैसे एड ए प्लस बी, नंबर्स हमने डाल दिया, इंट इंट जैसे अपने उसको इस यहाँ पे ये करते हैं, बहुत सारा कुछ करते थे उसमें हम लोग, तो उसमें सब कुछ हम लोग इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करते थे, मैथमेटिकल सिम्बल्स यूज़ करते थे, वो हमारे समझ में आता था, वो हम समझ के करते थे, रटते नहीं थे उस चीज़ को, राइट? कुछ हम समझ सकते हैं तो हमारा ह्यूमन ब्रेन इतना तो कम से कम ईजी है, मतलब ट्रेन हम तो कर ही सकते हैं उस चीज़ को, फाइन। तो एडवांटेज क्या हो गया इसका कि प्रोग्रामर फ्रेंडली है, प्रोग्रामर्स जो होते हैं वो उसको पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं और उसको आराम से कर भी सकते हैं, ओके? इसमें ट्रेनिंग ली जा सकती है और सक्सेसफुली वी कैन डू दिस एंड वी आर डूइंग दिस, फाइन। सेकेंड हो गया मशीन इंडिपेंडेंट, मैंने आपको बताया यहाँ पे कि टोटली मशीन इंडिपेंडेंट हो जाता है, आपको अलग अलग मशीन्स के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। थर्ड क्या हो गया, ईजी टू लर्न, राइट? मैंने आपको बताया कि आप इसमें ट्रेनिंग ले सकते हो कोचिंग सेंटर्स में जाके या फिर क्लास में, तो होता ही है, ये सब क्लासेस में पढ़ाया जाता है, ये आपके कोचिंग क्लासेस में पढ़ाया जाता है, कॉलेज में पढ़ाया जाता है, तो इट इज़ ईजी टू लर्न, ऐसा नहीं है, डिफ़िकल्ट मतलब है, बट वी कैन लर्न एंड वी कैन इम्प्लीमेंट देम एंड वी आर डूइंग दैट। डिसएडवांटेजेस क्या हो जाते हैं, मैं आपको बता दूँ कि ये डिसएडवांटेजेस बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं है कि इनको कंसिडर किया जाए, ये फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग वी आर स्टडिंग की कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस तो होते ही हैं, बट प्रोस एंड कॉन्स तो हर चीज़ का होता है ना फ्रेंड्स, किसी चीज़ में अच्छाई है तो बुराई तो होगी, बट इसमें जो है हाई लेवल लैंग्वेज में क्या डिसएडवांटेज होता है एक बार देख लेते हैं, कि इट टेक्स एडिशनल ट्रांसलेशन टाइम्स टू ट्रांसलेट द सोर्स टू मशीन कोड। अब आप देखो कि मशीन को आपकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, आप जो
सी प्रोग्रामिंग और सी प्लस प्लस जावा जो इतना हेक्टिक प्रोग्रामिंग जो सीख रहे हो मशीन के काम की नहीं है, मशीन को वो एज इट इज समझ नहीं आ रही, तो आपको मशीन को तो 0-1 ही समझ में आ रहा है ना। आपको क्या होता है कि कुछ डिवाइसेस यूज़ करके, कुछ सॉफ्टवेयर्स यूज़ कर करके, मैं आपको जो आगे पढ़ाऊँगी उसको यूज़ करके आपको अपनी जो लैंग्वेज है, जो आपकी हेवी इंग्लिश वर्ड्स जो यूज़ करके लैंग्वेज बना रहे हो, आपको मशीन के लैंग्वेज में कन्वर्ट करनी होगी, 0-1 में कन्वर्ट करनी होती है, वो कन्वर्जन होता है। तो वो टाइम यहाँ पे जो लगता है, हालांकि इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, यू नो टाइम तो हर चीज़ में लगता है। आपको वहाँ पे मशीन लैंग्वेज समझने में टाइम लग रहा था, तो यहाँ पे तो कन्वर्जन टाइम में फिर भी कम टाइम लगने वाला है। सो दैट इज़ नॉट दैट मच डिसएडवांटेज कि इसके एडवांटेज को वो कोप अप कर पाए। सही, तो ये है। सेकेंड क्या है, लोअर एफिशिएंसी बिकॉज इट रिक्वायर्स मोर मेन स्टोरेज। इसकी प्रोग्रामिंग काफ़ी लेंदी होती है, तो उसकी वजह से उसके स्टोरेज की भी ज़रूरत ज़्यादा होती है। बट देन अगेन, आजकल की टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है, हमारे पास इतनी GB TVs में हमारे पास स्टोरेज है, तो हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं और कितना भी बड़ा डाटा स्टोर कर सकते हैं। सो दीज डिसएडवांटेजेस आर हार्डली कोई इफेक्ट डालती है हमारे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीखने में या फिर उसको यूज़ करने में। ओके, अब हम देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं उसको हमें कंप्यूटर तक पहुंचाने के लिए, उसको समझाने के लिए कन्वर्ट करना पड़ता है। बिकॉज़ हमें जो समझ में आ रहा है वो हम करेंगे, कंप्यूटर को जो समझ में आ रहा है वो कंप्यूटर करेगा, बट ये दोनों के बीच का ट्रांसलेशन कौन करेगा? कुछ तो यूज़ होगा ना। तो हमारा क्या यूज़ होता है? पहला, असेंबलर। ओके, असेंबलर क्या करता है कि असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है। मतलब असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम मैंने क्या बताया था, जो निमोनिक कोड्स वाले प्रोग्राम होते हैं, ऑब्वियसली बात है कि वो कोड्स भी 0-1 तो है नहीं ना, तो उनको 0-1 में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग ऑफ 0s और 1s में। वो कौन करेगा? वो असेंबलर करता है। ओके, ये हमारा हो गया असेंबलर। सो इट इज़ अ सॉफ्टवेयर, असेंबलर एक सॉफ्टवेयर होता है जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है। फाइन, ये आपको टर्म्स याद रखना होगा फ्रेंड्स, बिकॉज ये टर्म्स एज इट इज़ एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सा सॉफ्टवेयर कौन किस चीज़ को क्या में कन्वर्ट करता है। आपको डिस्टिंक्टली इनको याद रखना पड़ेगा। ओके, सेकेंड है कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। सोर्स कोड हमारा क्या हो गया, जो हम जो हाई लेवल लैंग्वेज जो यूज़ करते हैं ना, उसको वो सोर्स कोड बोलते हैं। तो वो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड, ऑब्जेक्ट कोड होता है जो मशीन लेवल लैंग्वेज आती है ना, जो लो लेवल लैंग्वेजेस होते हैं उसमें वो कन्वर्ट करता है। ओके, और ये काम किसका? कंपाइलर का है। और आप एक बात देखना, इंटरप्रेटर का भी सेम काम होता है। ये कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स जो होते हैं ना, ये दोनों सेम काम ही करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। ओके, बट क्या होता है दोनों के बीच का डिफरेंस, कि कंपाइलर क्या करता है, ये ट्रांसलेशन ऑल एट वंस, मतलब आपके पूरे 2-3 पेज के प्रोग्राम को वो एक साथ ही कंपाइल करता है, यानी ट्रांसलेट कर देता है। ओके, बट इंटरप्रेटर क्या करता है, वो लाइन बाय लाइन करता है। ओके, एक एक लाइन पे करता है, ट्रांसलेट्स इट लाइन बाय लाइन। बस यही बेसिक डिफरेंस है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। ओके, कंपाइलर में क्या होता है कि आप मान लो आपने उतना बड़ा 3 पेज 4 पेज का आपने बनाया प्रोग्राम लिखा, उसमें और एक क्या फंक्शन ये होता है, ये कि अगर आपने आप में कहीं बीच में गलती कर दी अगर, ओके, आप ह्यूमन ब्रेन है, एरर तो होता ही है, टू एयर इज़ अ ह्यूमन, आपने ये फेमस फेस तो पढ़ा ही होगा, तो गलती कहीं हो जाती है तो वो कंपाइलर जब कन्वर्ट करने लगता है तो उसको समझ में आता है कि हाँ यहाँ पे गलती हुई है, बट एग्जैक्टली क्या गलती हुई है उसको भी नहीं पता होता है। आपको बस बता देगा कि इस लाइन में इस जगह पे कुछ गलती है, आप उसको करेक्ट कर लो, और आप वहाँ पर जाके करेक्ट कर लेते हो। इससे क्या होता है कि आपका टाइम बच जाता है, आपको पूरा प्रोग्राम दोबारा रीरन नहीं री रीरीड नहीं करना पड़ता कि कहाँ गलती हुई है। वो उसने आपको बता दिया कि इस लाइन पे गलती हुई है, आप एग्जैक्टली उसी लाइन पे गए, आपने उसको ठीक कर लिया और फिर से आपने रन करा दिया, वो फिर से कंपाइल हो गया और कन्वर्ट हो गया, इजीली हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ पे अपने लेसन को एंड करते हैं, और इसके आगे मैं आपको नेक्स्ट लेसन में बताती हूँ। ओके फ्रेंड्स, सो आपको अगर मेरे लेसन्स पसंद आ रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, और प्लीज़ आपके कोई भी डाउट्स हो रहे हैं तो मुझे प्लीज़ बताइए, और मैं आपको ग्लैडली उस सारे कमेंट्स को मैं देखूँगी और कोशिश करूँगी कि मैं सारे कमेंट्स के आंसर, मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर कर सकूँ।
ओके आपको इसमें कुछ और भी चीज़ की मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, कुछ और आपको जो भी चाहिए आपको बिल्कुल यहाँ पे इंटरेक्टिव हो जाना, क्योंकि मुझे पता चलना चाहिए ना कि आपको क्या चाहिए और मैं ठीक से आपके नीड्स को कोपअप कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ। तो आप प्लीज़ वो मुझे बताना और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मुझे फीडबैक देते हो। तो सो फ्रेंड्स, लेट्स एंड दिस लेसन हियर। टेक केयर एंड गुड नाइट।